लखनऊ से बड़ी खबर। यात्रियों की विशेष रूप से सघन जांच हो, मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। यात्रियों की सूची को लेकर सर्विलांस करवाया जाएगा। लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर जांच भी बहुत जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रियों की विशेष रूप से सघन जांच हो। बाहर अन्य राज्य से जो लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनको लेकर, यात्रियों की सूची को लेकर, पिछले हफ्ते से आपको बता दें कि कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। उन्होंने कोरोना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरे प्रदेशों के आने वाले यात्रियों की होगी जांच। मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट अनिवार्य होंगे और लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर जांच भी होगी। यात्रियों की विशेष रूप से सघन जांच हो, मुख्य सचिव ने ये आदेश दिए हैं। यात्रियों की सूची को लेकर सर्विलांस की कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में मुख्य सचिव ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब जो अन्य राज्यों से लोग आएंगे तो चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर एंटीजन टेस्ट करवाए जाए। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, कल भी देर शाम लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के प्रभाव और पोस्ट इफेक्ट को लेकर के खासी एक के बाद एक विस्फोटक आंकड़े सामने आ रहे हैं पोस्ट कोविड इफेक्ट को लेकर। उसको लेकर बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, खासतौर पर एयरपोर्ट्स पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन पुरजोर तरीके से करा जाएगा। बल्कि इसके अलावा जो लोग भी दूसरे जिले से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, खासतौर पर वो भी सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर चेकिंग होगी और किसी भी तरह का लक्षण देखने के बाद आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट करके उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। लिहाजा इसको लेकर के कल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को, जिसको लेकर लापरवाही देखी जा रही थी, उन्हें दोबारा उसी कड़ाई से बरता जाए ताकि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है और जो विस्फोटक आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें कुछ कमी आ पाए। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कहां चूक हो रही है क्या इससे पहले? क्योंकि भले ही अब मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी किए हो, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि अन्य राज्यों से जो लोग आएंगे उनकी जांच जरूर से जरूर करवाई जाए, तो क्या ये जांचें नहीं हो रही हैं? बिल्कुल, वैक्सीनेशन की बात सामने आने के बाद निश्चित तौर पर एक देखा गया कि लोग भी उस तरह से जो जागरूकता जिस तरह से फैली थी कोविड को लेकर के, उसमें भी खासी भूल या चूक देखने को मिली, नजर आई है। और शायद यही वजह है कि जिस तेजी से कोविड अचानक से विस्फोटक तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी आई है, डेथ रेट, मोर्टैलिटी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शायद वजह यही रही है कि जैसे ही वैक्सीन का प्रॉपर अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से ही लोगों की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिली और यही वजह है कि अब इसे दोबारा दुरुस्त किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जाने को लेकर के बाकायदा कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से आपको हम ये खबर बता रहे हैं जहां पर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने दिशा निर्देश दिए हैं बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। आपको बता दें कि जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, अन्य राज्यों से जो लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनको लेकर ये दिशा निर्देश है कि उनका एंटीजन टेस्ट हो और अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है। यात्रियों की सूची को लेकर सर्विलांस की कार्रवाई की जाए। पिछले हफ्ते से आपको बता दें कि कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।